हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ सी एस प्रीति सिंह। बच्चों, आज हम बात करेंगे सी एस आफ्टर ट्वेल्थ की कंप्लीट डिटेल, फुल इन्फॉर्मेशन आपको एक ही वीडियो से मिलेगी। मैम, सी एस क्या एग्जाम के साथ हो सकता है? अभी हमारा रिजल्ट नहीं आया ट्वेल्थ का, क्या हम सी एस कर सकते हैं? मैम, सी एस कितने साल में हो सकता है? मैम, सी एस के साथ क्या बी कॉम करनी चाहिए, कोई अदर कोर्स करना चाहिए? मैम, सी एस करने के लिए कितना खर्चा आता है? मैम, सी एस करने में कितना टाइम लगता है? मैम, सी एस क्या एवरेज स्टूडेंट कर सकते हैं? मैम, सी एस करने के लिए क्या मैथ्स अच्छा होना जरूरी है? मैम, सीएस करने के बाद हमें कितनी सैलरी मिलेगी? ये तमाम क्वेश्चन जो आपके दिमाग में चलते हैं, आपको सिर्फ एक ही वीडियो से सारी जानकारी मिलेगी, क्योंकि ये वीडियो है कंप्लीट डिटेल सीएस आफ्टर ट्वेल्थ। तो बच्चों, अब हम बात करेंगे यहां पे। सबसे पहले, अगर आप सीएस करना चाहते हो और अभी ट्वेल्थ के एग्जाम्स आपके चल रहे हैं, तो आप एडमिट कार्ड के बेसिस पर भी सीएस ज्वाइन कर सकते हो। सीएस करने के लिए तीन स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज सीएसईटी, जो कि एंट्रेंस होता है। दूसरी स्टेज सीएस एग्जीक्यूटिव और तीसरी फाइनल। तो अगर हम ट्वेल्थ के बाद की बात करें, तो उससे पहले आपको एंट्रेंस देना जरूरी है, और मैं उसी पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बना रही हूं, क्योंकि ये डेडिकेटेड वीडियो है उन बच्चों के लिए जो ट्वेल्थ के बाद सीएस कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये आती है कि अगर आपके रिजल्ट अभी नहीं आया, तो टाइम वेस्ट ना करें, आप अटेम्प्ट दे सकते हैं। मैम, कब होगा एग्जाम? एंट्रेंस जिसे हम बोलते हैं, सीएसईटी जिसे हम बोलते हैं, जो कि पहली स्टेज है सीएस की, उसको आप दे सकते हो। साल में चार बार एग्जाम होते हैं। मई में होता है, जुलाई में होता है, नवंबर में होता है, जनवरी में होता है। बहुत सारे बच्चे मई में देते हैं। बाय चांस आप मई का एग्जाम नहीं दे पाए, जुलाई डैम श्योर दो विदाउट वेस्टिंग टाइम। एंड उसी के साथ लास्ट ऑप्शन आपके पास नवंबर भी बचता है। मैम, आप ये बताइए कि जैसे हम सीएस ज्वाइन करेंगे, तो उसके लिए हमारा किस सब्जेक्ट में ज्यादा इंटेलिजेंट होना जरूरी है? मैं बोलती हूँ, किसी में भी नहीं। एक चीज होना जरूरी है, वो है लगन, वो है कंटिन्यूटी, वो है सेल्फ मोटिवेशन, और वो है कुछ बड़ा करने की आपके मन में अगर है, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि इस कोर्स के लिए एज यूजुअल कोई स्पेसिफिक स्किल की जरूरत नहीं है। इसमें सबसे ज्यादा जरूरत है आपके हार्डवर्क की, आपकी कंसिस्टेंसी की, आपकी मेहनत की, जो कि कुछ पैसे से नहीं, सिर्फ अंदर से आती है। उसी के साथ साथ इसकी बच्चों तीन स्टेज होती हैं। लगभग समय 2.5 साल का लगता है। आप इसके साथ जो कोर्स करना है, मैम कौन सा कोर्स करें? बीकॉम करें, रेगुलर ना करें, कॉरेस्पॉन्डेंस करें। क्योंकि क्या होता है कि इस कोर्स के दौरान जो आपकी क्लासेस चलती हैं, वो क्लासेस लॉन्ग ड्यूरेशन की होती है, सिलेबस बड़ा होता है, टफ होता है, इतना आसान भी नहीं होता। तो आपका कोई भी एक डिस्टर्बेंस आपके कोर्स को अफेक्ट कर सकता है। खाली ग्रेजुएशन ज्वाइन करें, वो भी कॉरेस्पॉन्डेंस, कोशिश करो कॉरेस्पॉन्डेंस करो, रेगुलर ना करो, क्योंकि रेगुलर कॉलेज की वजह से आपकी क्लासेस अफेक्ट हो सकती है और कोर्स पे इंपैक्ट आ सकता है। उसी के साथ साथ इस पूरे कोर्स को करने में लगभग आपकी जो कॉस्ट है, वो मैक्स टू मैक्स 1 से 1.5 लाख रुपए आती है। वो भी मैं आपकी पढ़ाई की कॉस्ट बता रही हूं, वो भी आपको सारा एक साथ पेमेंट नहीं करना। आपको एंट्रेंस की अगर मैं बात करूं, सीएसईटी की मैं बात करूं, हार्डली 15-16 हजार आपका खर्चा आएगा। एग्जीक्यूटिव की बात करूं, 50,000 के अंडर में आपका खर्चा आएगा, 50,000 मैक्सिमम मैं बोल रही हूँ। प्रोफेशनल आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितने सब्जेक्ट की क्लासेस लेते हो। 1 लाख के अंडर में आपका सीएस करने का तमाम खर्चा आता है, एक्सक्लूडिंग आपका रहने का और खाने को छोड़ के। बहुत कम सस्ता कोर्स है, लेकिन अगर एक बार आपने इस कोर्स को कंप्लीट कर लिया, तो सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी 30,000 to 40,000 है। और आगे अगर मैं बात करूं, स्काई इज द लिमिट, क्योंकि एक प्रोफेशनल कोर्स है। ये एक प्रोफेशनल कोर्स में कभी भी ये तय नहीं किया जाता कि आप कितना कमाओगे, ये आपकी मर्जी है कि आपको कहां पहुंचना है। स्काई इज द लिमिट हम कह सकते हैं, आप कुछ भी कमा सकते हो जो आप चाहते हो। अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट है, तो भी आप इस कोर्स को कर सकते हो। आप एक एवरेज स्टूडेंट है, तो भी आप इस कोर्स को कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें, रजिस्ट्रेशन होता है आपका आईसीएसआई में। हमारी कोचिंग है सीएस प्रीति सिंह क्लासेस के नाम से, लक्ष्मीनगर दिल्ली के अंदर, जो कि ओनली फॉर सीएस है, सिर्फ सीएस के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। हमारे यहाँ पे सीए सीएम में और कोई क्लासेस नहीं चलती है। दूसरी चीज, ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरीके से आप क्लास लेना चाहते हो, हर फैसिलिटीज हमारे यहाँ अवेलेबल है। पहली स्टेज से लेके सीएस बनने तक की क्लासेस हमारे यहाँ होती है। उसी के साथ साथ मैं आपसे ये भी बोलना चाहूंगी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेक्चर्स हैं, 1 घंटा नहीं 2 घंटा नहीं 20 से 25 घंटे के लेक्चर्स आपको मिलेंगे। आप उन्हें एक बार बैठ कर देखिए, अच्छा लगे तो फिर आप हमसे कॉन्टैक्ट करिए क्लासेस के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर एंट्रेंस से लेके फाइनल तक की सभी क्लासेस होती हैं। आप जिस भी लेवल पर हो, आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे।